और बस्ती जिले में भी छठे चरण में कल वोटिंग होनी है। मतदान के लिए बस्ती मंडी समिति से 2151 पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, जो पोलिंग बूथों पर पहुंचने लगी हैं। इस बार मतदान केंद्रों पर धूप से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने टेंट और पानी की व्यवस्था भी कराई है, जबकि कल 19,02,898 मतदाता 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें इस बार करीब 20,000 युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। मतदान को लेकर पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान के लिए पर्याप्त पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। इस बार 11,750 कर्मचारी लगाए गए हैं और प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। 61 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बस्ती में लगभग 2,151 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें समस्त हमारे पीठासीन अधिकारी PO1 PO2 PO3 और साथ में हमारे पुलिस फोर्स सभी को जोड़ते हुए आज पोलिंग पार्टीज की रवाना के लिए हमने सारी व्यवस्था यहाँ मंडी स्थल से सुनिश्चित कराया था। लगभग 98% की जो पार्टीज है अपना सामान ले चुके हैं। अब 2% जो रह गया, इक्का दुक्का हर पार्टी में कोई ना कोई अनरिपोर्टेड है, जिसको हम तलाश के उनके माध्यम से भी हम लोग सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। अब इन लोगों को बसेस में बिठा के शाम तक अपने जो पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाना है हमारी जिम्मेदारी, जो जिसके साथ CAPF फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस भी लगे हैं। साथ में ये भी कहना है कि आधे से ज़्यादा हमारे पोलिंग बूथ वेबकास्टिंग से जुड़े हैं, जो लखनऊ मुख्यालय से सीधा उसकी लाइव टेलीकास्टिंग देख सकते हैं। बस्ती में निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस द्वारा सारी व्यवस्था कर ली गई है। करीब 20 सेक्शन CAPF PAC हमें बाहर से मिली है, जिनका व्यवस्थापन हो गया है। उनको कल अच्छे से ब्रीफ कर दिया है, वो आज मतदान केंद्र बूथ के लिए रवाना हो रही है। सभी फोर्स आ गई है, करीब आधे घंटे में सभी लोग रवाना होकर पहुँच जाएंगे। सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा, कल ये ड्यूटी सुबह टाइम से जाएगी। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में अलग से ड्यूटी लगी है, जो भ्रमणशील रहेगी, ताकि वल्नरेबल लोग को कोई दिक्कत ना हो पहुंचने के लिए, किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं सामना करना पड़े और सभी लोग निडर होकर निर्भीक रूप से मतदान कर सके।